मधुबनी अभी तक हमने लास्ट रिपोर्ट में देखा था कि हमारे 407 स्टेशन की जो लिस्ट थी A1 और A-क्लास की, उसमें ऑलमोस्ट बॉटम पे है। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करें जिससे कि मधुबनी स्टेशन को अपन इम्प्रूव करें? हमारा कंसेप्ट केवल ये है कि मधुबनी पेंटिंग देखते ही लोगों को लग जाए कि यस मधुबनी स्टेशन आ गया। 2 अक्टूबर से हम लोग काम शुरू करें, हम लोग स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत इसको शुरू करें। हमारे लिए बहुत टफ टाइम होगा, ठीक है, 10-12 दिन हमें बहुत टफ अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों हैं। यदि वहाँ पे थोड़ी सी भी गलतियाँ होंगी ना तो इशू बन। देखिए लेडीज़ जो काम कर रही हैं, बूढ़े हैं उसमें, 70 साल की लेडीज़ काम कर रही है, तो उनको मचान प्रॉपर से अपने से चेक कर लीजिएगा, कहीं यदि दिक्कत होगी तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ठीक है। आप चीज़ों को देखिएगा, बाहर में देखते रहे कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, यदि होता है प्रॉब्लम AC को पैनली मुझे आप इन्फॉर्म कर लीजिए। स्वागत सुआगतियो पाहुन हमर आए। एटा हमर दोस्त के नानी माँ के देखियन लिखित पढ़ित विवाह दान में कोबर देहर अरिपन मिथिला पेंटिंग अही से शुरू भेल छे। पहिने ई भित्त चित्र छलैए, तकर बाद एकरा से पट पर आनल गेलैए, या कागज पर कपड़ा पर आनल गेलैए। पहिने विवाह दान उपनयन मुड़न संस्कार सब में बनायल जाइ छलैए, वएह देख कऽ पीढ़ी दर पीढ़ी ई लोग अपन घरमे अपन माय दादी नानीसँ सीख कऽ सब अपन घर भरि बनबै छलै। एकरा व्यवसायके रूपमे या रोजी रोटीके रूपमे से आनल गेलै। किछु विदेशी लोकनि एलखिन ने तऽ ओ देखलखिन कि नहि तऽ बड़ नीक कला छै एकरा, कागजपर बनायल जाए तऽ एक जगहसँ दोसर जगह जेतै ई बिकेतै तऽ कलाकारके पाइ हेतै आ कलाके सेहो उत्थान हेतै। मधुबनी स्टेशनपर हमरा सबके ई पहिल मौका भेटल, सब कलाकार अपन अपन कलाके देखबिए। एतेक कलाकार एक ठाम आइ तक कहियो ने हमसब काज कयने छलहुँ हँ, लेकिन हमरा बहुत खुशी भेल जे एहन काज भऽ रहल छै एहिठमन। जापानमे एकर म्यूजियम बनल छलै आओर हमरा मिथिलाञ्चलमे अखन तक एहि चीजके प्रचार प्रसार नहि छलैए, से काज रेलवे स्टेशन कऽ देलखिन, पूरा विख्यात भऽ गेलै। आओर आबयवला 10 सालमे जहिना 10 साल पीछा छलै से 10 साल ई आगू बढ़ि गेलै। 7,000 square feetमे एतऽ भेलै, एहिके लेल बहुत बहुत हम रेलवेके धन्यवाद दै छियनि। एहिठाम नारी जे छलै से बहुत पहिलेसँ घूँघटमे रहयवला छलै, से उभरि कऽ आइके डेटमे बहुत विख्यात भऽ गेलै। सबसे पहले हम रेलवे को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। पहले 10 मर्द के सामने महिला का हाथ थर थर आने लगता था वर्क करने से, और यहाँ 100, 200, 500, 1,000, 1,00,000 पब्लिक जाते हैं, मर्द जाते हैं, उसके सामने खड़ा होकर के ऊपर में काम महिला करती रहती थी और उसका जरा भी हाथ डगमगाया नहीं। अब हम लोग कहीं भी काम कर सकते हैं जाके। आ बिचौलिया तऽ चूस लेलकै कलाकारके, हमरा होइए आइ 30 सालसँ बिचौलिया सब कलाकारके पूरा पाइ मन 1/4 पाइ नहि दै छलखिन हँ। हुनकासँ पेंटिंग लेलनि 500 आ ओहि पेंटिंग कमसँ कम 2500 बेचलनि। कलाकार सब दिन तैँ कलाकारके दमन होइत अयलैए। देखियौ मार्केट चाही कि कोइ भी कलाकार ओ खुद अपना सामान खुद बेच सके। तऽ डिजिटल इंडियाके बात कर रहल छथिन मोदीजीसँ हमसब बहुत खुश छी, लेकिन यही है अगर पेंटिंगके लाइनमे ओ कुछ करय लऽ चाहै छथिन जैसे कि रेलवे द्वारा, तऽ ई विश्व लेवलपर अहाँके भऽ गेल पेंटिंग। आब अइसन कुछ हुनका करैके चाही, ऑनलाइने हो चाहे जे भी, तऽ जो कलाकार है, एक भी कलाकार बच्चा हो सियाना हो, जो अपना कला बेच सके, प्रदर्शन कर सके, ओ डायरेक्ट कर सके। जो यहाँ पे कोई भी बिचौलिया उचौलिया का कोई इसमें धंधा नहीं है, मेरा अलग से समझिए कि एक गैलरी होता है पेंटिंग गैलरी, उस टाइप से हमको यहाँ मिल गया है, क्योंकि नाम लिखने का, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सारा चीज़ अपना लिखे हैं। किसी को भी पेंटिंग लेना होता है तो यहाँ से हमको कॉन्टेक्ट कर, हमको पेंटिंग चाहिए, हम बुलाते हैं और डायरेक्ट ले जाते हैं। समाज के हम यह कहबनि जे जब तक समाज नहि तब तक राष्ट्र नहि सरकार नहि, ओ सब आबैथ आओर हमर सबके पेंटिंग देख कऽ हमरा सबके छोट छोट काज से देत, जैसे कि हमसब आर्थिक रूपसँ सबलता बनी। समाज बिना
कोनो राष्ट्र नै बनै छै आओर समाजमे जो सब तरहक कामना छै ओ कामनाके देखैत एहिठमन घर बहुत पैघ पैघ लोक बना लै छथिन लेकिन ओहिमे किछु सजाबै छथिन फोटोसँ तऽ हमर सबके मिथिला पेन्टिंगसँ जँ सजेथिन मधुबनी पेन्टिंगसँ सजेथिन तऽ हमरा सबके आर मनोबल बढ़त। अगल बगल वाले भी लोग बोलते थे कि मिथिला पेंटिंग नहीं करना चाहिए मुस्लिम लोगों को, ये सब हिंदू का चीज़ है, मगर हमको अच्छा लगता था इसीलिए करते। समाज के कई लोगों ने मेरे माता पिता को भड़काया कि लड़कियों को मिथिला पेंटिंग करने के लिए क्यों भेज रहे हैं, मगर मेरे माँ बाप ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। मैं चाहती हूँ कि मैं भी MF हुसैन की तरह एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनूँ। देखने वाले तो दीवाल समझते लेकिन हम लोग कलाकार दीवाल समझ के नहीं कैनवास समझ के काम किए हैं। अभी हम लोग पेंटिंग कर दिए हैं तो यहाँ कोई थूक थाक इधर उधर कोई नहीं फेंकता, एकदम स्टेशन साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। और पहले ऐसा था कि इधर कोई थूक फेंकता है, कोई इधर पेशाब करता है, कोई इधर कुछ करता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत साफ सुथरा हो गया है। लास्ट बात हम अपन ई राखै छियनि, एक बेर मधुबनी अबियौ, मधुबनीके टिकट कटबियौ आओर मधुबनी पेंटिंगके अहाँ सबके लेल हमसब आमंत्रित करै छी। हमसब जे अपन कार्य शैली अछि हमर सबके से आबि कऽ अहाँ सब देखू, हमसब एहिके लेल अहाँ सबके स्वागत करै छी। विदेशी सब भेलहुँ आओर हमर समाज भेलहुँ, हमर राष्ट्रके लोक भेलहुँ, सरकारी स्तरके जतेक लोक छी से सब मिलकर आउ, हमरा सबके सहयोग करू आओर हमर सबके पेंटिंग देखू आओर हमरा सबके आर्थिक सबलता बनाउ। मिथिलाञ्चल मधुर छै लेकिन एहिठमन आर्थिक कमी छै जे हमरा सबके पूरित हेबाक चाही, इएह हम अपन कहैत छी आओर बहुत सबलताके साथ कहै छी, अपन आत्मविश्वासके कहै छी जे अहाँ सब जरूर अयबै। हमसबके आग्रह करै छी जे एहिठमन मधुबनी रेलवे स्टेशन अहाँ सब आबि कऽ देखियौ, हमसब बहुत मेहनत केलहुँ हैं आओर मेहनत कऽ कऽ श्रमदान कऽ कऽ अपन आपके गौरवान्वित भेलहुँ हैं जे नहि हमर मिथिलाञ्चलके मधुबनी पेंटिंगके उकेर कऽ एकदम सुन्दरता बना देलहुँ हैं। अहाँ सब देखऽ लए जरूर जरूर आउ। मेरा बचपन मधुबनी में ही बीता है और मैं तकरीबन 4 साल के बाद मैं मुंबई से आ रहा हूँ। मधुबनी पेंटिंग देख के मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हूँ और ये मेरे लिए सुखद आश्चर्य की तरह है। और मैं क्या बताऊँ, चारों बगल अद्भुत अद्भुत पेंटिंग का नज़ारा है। मेरे पास सब नहीं है, मैं बस देखने में लगा हूँ सर कि ये कितना अच्छा हो गया ये अपना रेलवे स्टेशन। हम लोग इस बात को लेके गदगद हैं कि रेलवे ने इतना इनिशिएटिव लिया है कि सारी दुनिया हमारी पेंटिंग्स देख पा रही है। हम लोग पूरा सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं और लोगों को समझ में आ रहा है कि हमारी जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनमें कला कूट कूट के भरी हुई है। यही कहूँगी कि इस इनिशिएटिव से जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट आर्टिस्ट से कर पाते हैं, जिसकी वजह से आर्टिस्ट लोगों को पता चला कि लोग उनके कला के कद्रदान हैं। रेलवे हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब, दिस इज व्हाट दे कॉल अ मास्टर स्ट्रोक टू गेट द आर्टिस्ट the platform that they truly deserve and to give them the amount of opportunities that might await them, because railway station hai to there might be lot of different people who will be coming to Madhubani, leaving Madhubani, and there cannot be a better place than railway station to exhibit their talent. I think these artists are brilliant, that every single piece is a masterpiece in itself. It is an art revolution, it is definitely, it's like Renaissance. There couldn't have been a better Swachh Bharat Andolan ka ke liye first step. I think this is brilliant. Dirty railway station, though I had never been to Madhubani earlier, and I cannot
I cannot even visualize what it was 1 year back because it doesn't look like dirty at all. It looks very, very creative, very, very artistic and very, very beautiful. वहाँ पर एक सीता देवी जिनको करीब 15-20 साल पहले पद्मश्री अवार्ड भी मिला था तो उनकी एक पेंटिंग है तो वो देख के हमें लगा कि हम क्यों ना इससे पूरे स्टेशन को जो है अच्छे से पूरा एक सजावट के साथ में इसको करें ताकि एक एग्जाम्पल बने और एक ओपन आर्ट गैलरी के रूप में इसका परिदृश्य है. Yes, certainly, स्वच्छता इज वन ऑफ द मेजर इशू व्हिच एवरी मिनिस्ट्री इज टॉकिंग अबाउट because of a lot of thrust from Prime Minister. And the Railway Ministry is one of the major participants of it. And we thought Mithila painting is the perhaps the most common thing to connect people of the area. Once the people is connected to the station, once people start owning their station, certainly cleaning would not be a problem. So we thought let us do Mithila painting, involve people so that they can attach, connect themselves with the station. And it will go a long way in preserving the quality of the station, keeping it clean. सबसे पहला चैलेंज रिसोर्सेज की थी. हमने प्लान किया 3 दिन में काम हो जाएगा 40 आर्टिस्ट के साथ. एकाएक लगभग 200 आर्टिस्ट और 12 दिन का काम. बहुत बड़ा चैलेंज था जिसमें कि रिसोर्सेज, मॉनिटरी रिसोर्सेज, स्टेज का रिसोर्सेज या अपने स्टाफ को मोबिलाइज करना, आर्टिस्टों को मोटिवेशन करके रखना, 38 डिग्री टेम्परेचर में आर्टिस्ट पूरे दिन काम कर रहे हैं, उनको कंटिन्यूसली मोटिवेट रखना और एक एक चीज़ों पर ध्यान रखना, इट वॉज रियली डिफिकल्ट अपार्ट फ्रॉम माई नॉर्मल ड्यूटी. तो एक ये हमारे लिए मेन चैलेंज था, लेकिन उसमें हमें उससे ज़्यादा मोटिवेशन फैक्टर था इसलिए दूर हो गए. दूसरा चैलेंज था बिचौलियों का मार्केट हम खत्म कर रहे थे. बिचौलियों मुझे पर्सनल थ्रेट कर रहे थे, मुझे फैमिली के सामने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश किया, इनफैक्ट इंस्टिगेट कर रहे थे जो मैं कुछ भी बोलूँ, किसी भी तरह से एक्शन लूँ जिससे कि वो काम डिस्टर्ब हो, वहाँ पर माहौल खराब हो. आर्टिस्टों को बिचौलिए भड़का रहे थे, तो आर्टिस्टों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उनको कोई भी उनके पास रिमर्स नहीं है, उनके पास कोई निगेटिव व्यू नहीं है, इस चीज़ को संभालना, इट वॉज डिफिकल्ट चैलेंजिंग. चैलेंजेस को फेस करने का सबसे बड़ा स्रोत पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास कलाकारों का विश्वास था. कलाकार ने हमें इस हद तक साथ दिया, उनको भड़काने के लिए बिचौलिए आते थे लेकिन कलाकार बोलते थे जो हम आपके फिरदे हुए नहीं हैं, हमें सरकार साथ दे रही, हम रेलवे स्टेशन पेंटिंग बनाकर ही जाएंगे, हमें उन पर विश्वास है. बहुत बड़ी बात थी गवर्नमेंट बीइंग अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजर, कलाकारों का इस कदर फ्रेंड जो 12 बजे रात तक वो पेंटिंग कर रहे हैं फैमिली के साथ, इट वॉज ए बिगेस्ट पॉजिटिव फॉर अस. तो ये कलाकारों का कमिटमेंट, मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम का एक्चुअल हीरो कलाकार और सिर्फ कलाकार हैं, हम लोग उनके फैसिलिटेटर थे बस. मुझे बहुत खुशी है कि मधुबनी स्टेशन एक ओपन आर्ट गैलरी में कन्वर्ट हो चुका है और आज दूर दूर से भी लोग देखने आते हैं और मधुबनी के खुद के लोग जो अलग अलग देश विदेशों में बसे हुए जब यहाँ लौट के आते हैं उनका फीडबैक हम सुनते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है. यह वास्तव में स्टेशन मधुबनी का सेंटर पॉइंट कहलाता है.